नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ सिग्नोफ्लेम टैबलेट के बारे में। अगर बात करूँ उसके यूज के बारे में, तो सिग्नोफ्लेम एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल अमूमन दर्द में और सूजन में किया गया, मतलब ऐसा चोट, ऐसा दर्द जहां पर ओपन वुंड इंजरी हो गई हो, जिसके वजह से वहां पर कोई स्वेलिंग हो, कोई सूजन हो, तो वहां पर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई गिर गया, वहां पर दर्द भी होगा, इसके वजह से वहां पर सूजन भी हो जाएगा। किसी हड्डी ने छेद लिया आपको, वहां पर दर्द भी होगा, वहां पर सूजन भी हो जाएगा। आपकी उंगली कहीं दब गई, वहां पर दर्द भी होगा, हो सकता है वहां पर सूजन भी आ जाए। तो ऐसे स्थिति में इसका इस्तेमाल करते हैं। आपके दांत में, मसलों में इन्फेक्शन है, वहां पर दर्द भी होगा, वहां पर मसलों में सूजन भी आ जाएगा। तो दर्द और सूजन की स्थिति में इसका इस्तेमाल अमूमन डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अगर बात करूँ उसके कंपनी के बारे में, तो ये ल्यूपिन कंपनी की दवा है और ल्यूपिन का इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन है, मतलब क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी होती है। अगर बात करूँ इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो उसमें बेसिकली तीन दवाइयाँ होती हैं। एक होता है पैरासीटामॉल, एक होता है एसिक्लोफिनेक और एक होता है सेरोसिप्रोपटाइडेस। अभी जो पैरासीटामॉल और जो एसिक्लोफिनेक है, ये प्रकार का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा होती है। मतलब क्या होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम करता है और पेशेंट को दर्द का जो आभास होता है उसको आराम देता है। और ये जो सेरोसिप्रोपटाइडेस होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है, ये उस सूजन को ठीक करता है। तो इस तरीके से ये काम करती है। अगर बात करूँ साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो इसको खाने के बाद बहुत सारे पेशेंट को हाइपर एसिडिटी हो सकती है, कुछ लोगों का पेट फूला सा हो सकता है, कुछ लोगों को नाजिया या फिर वोमिटिंग की शिकायत होती है। इससे अधिक बहुत कुछ इसमें होता नहीं है। अगर बात करूँ उसके एमआरपी के बारे में, तो आपको मार्केट में मात्र 130 रुपए की एक स्ट्रिप मिल जाती है। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। इसके अलावा और कोई इसकी बहुत विशेष समस्या होती नहीं है।